नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे बड़ी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहली फिल्म है जो कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वहीं बात करेंगे दूसरी मूवी जो कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग पर बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं देखते का पूरा वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही चले कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे धमाकेदार और सबसे जोरदार फिल्म टाइगर 3 मूवी, इस मूवी का क्रेज़ और बस बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का इंतजार ऑडियंस कर भी रही थी और फाइनली इस फिल्म को रिलीज़ भी किया गया, जो कि आप लोगों को पता ही चले कि बहुत ही धमाकेदार तरीके से इस फिल्म को रिस्पॉन्स भी मिला। आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म टाइगर 3 मूवी वाकई में बहुत ही दमदार थी और बहुत ही जोरदार थी। वहीं दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो स्पाई यूनिवर्स की अभी तक की सबसे भारी भरकम बजट वाली फिल्म थी टाइगर 3 मूवी। इस फिल्म को 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया था। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को सलमान खान जोरदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आए थे। और वहीं दोस्तों, इस फिल्म में इमरान हाशमी भी बहुत ही धमाकेदार तरीके से विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और वहीं आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी आप लोगों को दमदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आई थी। आप लोगों को पता ही चले कि टाइगर 3 मूवी में आप लोगों को शाहरुख खान का एक दमदार और जोरदार कैमियो देखने को मिला था, जिसे देखने के बाद ऑडियंस ने जो कि एक नया जो कि क्रेज देखने को मिला और वाकई में सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ फिर से पर्दे पर देखा ऑडियंस ने और जोरदार तरीके से सिनेमा घरों में सीटी तो बजी बजी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे कलेक्शन भी हुए टाइगर 3 मूवी को। वहीं आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया। दूसरे दिन इस फिल्म ने जो कि आप लोगों को बताया चले कि 57 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया। और तीसरे दिन इस फिल्म ने 42 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया। यानी कि इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस धमाकेदार कलेक्शन किया और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। इस फिल्म ने अभी तक इंडिया नेट कलेक्शन 278 करोड़ रुपए का किया। और वहीं दोस्तों, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए का कारोबार करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने टाइगर 3 मूवी देखी है तो आप लोगों को टाइगर 3 मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग पर बने रहें। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दूसरी मूवी है सलार मूवी, जो कि यह फिल्म जो कि 22 दिसंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई। आप लोगों को पता ही चले कि सलार मूवी जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। आप लोगों को पता ही चले कि सलार मूवी का यह पहला पार्ट था, हालांकि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। अब देखना यह है कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट को कब तक अनाउंस किया जाता है, यानी कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज डेट कब तक अनाउंस करी जाती है। और वहीं दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में जो कि एक्शन भरपूर देखने को मिला ही मिला, लेकिन आप लोगों को बताया चले कि यह फिल्म में आप लोगों को प्रभात, श्रुति हसन, जगपति बाबू और पृथ्वीराज देखने को मिले। आप लोगों को पता ही चले कि वाकई में प्रभास ने बहुत ही दमदार तरीके से एक्टिंग करी है और उनका बहुत ही खतरनाक रूप भी इस फिल्म में दिखा है। हालांकि प्रशांत नील ने प्रभास का जो कि बहुत ही अच्छा खासा डायरेक्शन किया है, यानी कि उनको देखते हुए यह फिल्म लिखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि वाकई में प्रशांत नील की फिल्म जो कि सलार मूवी बहुत ही धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी कर रही है। आप लोगों को पता ही चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन 56 करोड़ 35 लाख रुपए का कारोबार किया। दूसरे दिन इस फिल्म ने 62 करोड़ 5 लाख रुपए का कारोबार किया और चौथे दिन इस फिल्म ने 42 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया। यानी कि इस फिल्म ने एक वीक में 308 करोड़ रुपए का कारोबार किया और एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। वहीं दोस्तों, 8वें दिन इस फिल्म ने 9 करोड़ जो कि 62 लाख रुपए का कारोबार किया और 9वें दिन इस फिल्म ने 12 करोड़ 55 लाख रुपए का कारोबार किया और 10वें दिन इस फिल्म ने 15
15 करोड़ 1 लाख रुपया कारोबार किया और 11वें दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ 50 लाख रुपया कारोबार किया। आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म ने अभी तक जो कि 11 दिनों में टोटल 360 करोड़ रुपया कारोबार किया। और वहीं दोस्तों आज के दिन भी यह फिल्म अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है और कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया कारोबार कर रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने जो कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म सलार मूवी देखी है तो आप लोगों को प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म सलार मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीप सी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।